और इसको खोलने के लिए एक हमारे पास छोटा सा पुलर है। ये आप किसी भी हार्डवेयर की दुकान से या इलेक्ट्रिक की बड़ी शॉप से आसानी से आपको ये पुलर मिल जाएगा। और एसी डीसी सीलिंग फैन को ख़ास तौर पर पुलर से ही खोलना चाहिए, क्योंकि इसको चोट लगाने से इसके अंदर जो चैम्बर बना हुआ है जिसमें मकनतीस लगे हुए हैं वो प्लास्टिक का होता है, तो वो टूट सकता है चोट लगाने से। तो पुलर की मदद से हमने इसको खोल दिया और इसके अंदर पानी मौजूद है, यहाँ पे अभी भी पानी मौजूद है बैरिंग के आसपास, तो इसके अंदर पानी जाने की वजह से ये जाम हो गया था। नीचे वाला इसका हिस्सा अलग-अलग हो चुका है, अब दूसरा जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है उसकी जो लाख लगी हुई है और काबला लगा हुआ है उसको हम खोलेंगे।